पाकिस्तान ने भारत की जानिब से LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया और कहा शहरी आबादी को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और आलमी कवानीन के खिलाफ है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से LOC पर सीज की खिलाफ वर्जी और शादी की तकरीब पर गोलाबारी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया और एहतजाजी मुरासला थमा दिया। दफ्तर खारजा ने भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा भारतीय फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। शहरी आबादी को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और आलमी कवानीन के खिलाफ है। तर्जुमान का कहना था भारत ऐसे वाकियात के बाइस मकबूजा कश्मीर से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारतीय फौज की फायरिंग से 26 शहरी शहीद और 245 जख्मी हुए। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि 22 नवंबर को खोईरट्टा सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से खिलाफ वर्जियां की गई। भारतीय फायरिंग से 11 शहरी शदीद जख्मी हुए। भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। याद रहे कि भारतीय फौज ने LOC के खोईरट्टा सेक्टर पर बिलाइश्तियाल फायरिंग करते हुए खवातीन और बच्चों समेत 11 शहरियों को जख्मी कर दिया था, जिसमें 6 खवातीन और 4 बच्चे शामिल थे। कैमरामैन अरशद अली के साथ सोफिया खान, VOK न्यूज़, कराची।